हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, थोड़ी सी रिवीजन करने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो दिस इज़ अवर फर्स्ट लेसन। जो फर्स्ट यूनिट हमने देखा है ना, जिसमें फर्स्ट 2 चैप्टर्स शामिल है, लेसन 1 और लेसन 2, उसकी रिवीजन हम करने वाले हैं। अगर आपके पास लीड का रीडर है, साइंस रीडर, तो वो ओपन कीजिए और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है 1 वो ओपन कीजिए। अगर आपके पास लीड की बुक नहीं है तो आप इसमें से क्वेश्चन देख के आपके नोटबुक के अंदर भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, सो व्हाट इज़ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सी पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द वर्ड्स बिलो टू फाइंड द नेम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। यहाँ पे आपको जो फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स के नाम यहाँ पे क्या करने हैं, आपको फिल करने हैं। पहला पी आर से स्टार्ट होने वाला न्यूट्रिएंट कौन सा है, बराबर पीआर से स्टार्ट होने वाला न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। प्रोटीन का स्पेलिंग लिखिए वहाँ पे पीआर के आगे, PROTEIN। पहला आपका न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के बाद में सी से कौन स्टार्ट होता है, सी से स्टार्ट होने वाला न्यूट्रिएंट सेकंड कौन है, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड का आंसर लिखिए कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, सेकंड सी से स्टार्ट होने वाला न्यूट्रिएंट कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। थर्ड देखो क्या है, थर्ड है फैट्स, टी एस है लास्ट में, वर्ड कौन सा बनेगा सी का, FATS, फैट्स। ठीक है, फोर्थ कौन सा आएगा, फोर्थ आएगा विटामिन्स। फोर्थ कौन आएगा, विटामिन्स, जो है नाम कंप्लीट करो उसका स्पेलिंग, VITA विटामिन्स। ओके, एम से क्या बनेगा, एम से बनेगा मिनरल्स, डालो MI मिनरल्स। मैं भी क्या छोटे बच्चों जैसे स्पेलिंग बता रही हूँ ना, लेकिन करो। ओके, सो फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो गया हमारा, क्या आएगा आंसर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईट फूड, टिक ऑल ऑप्शंस दैट आर करेक्ट। क्वेश्चन का आंसर आपको 5 ऑप्शंस दिए हैं और क्या बोला है, जो करेक्ट आंसर से वो आपको क्या करने हैं, टिक करने हैं। देखो पहला है ए, टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म अवर डेली एक्टिविटीज़, बी टू ग्रो अवर फूड अवर बॉडी, सी टू रिपेयर द डैमेज्ड पार्ट ऑफ अवर बॉडी, डी टू अर्न मनी। ये देखो डी के जगह पे बी लिखा है, वो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है उनकी, एंड ई टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी। ओके, व्हाई वी ईट फूड, इसमें कौन सा है जो करेक्ट है, तो जो करेक्ट है उसको हमें क्या करना है, टिक करना है। देखो जैसे पहला क्या है, पहला है टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म अवर डेली एक्टिविटीज़, पहला करेक्ट है, पहले पे टिक करो। दूसरा टू ग्रो अवर बॉडी, बॉडी की ग्रोथ के लिए हम फूड खाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो राइट, करेक्ट करो। तीसरा टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ अवर बॉडी, बॉडी के डैमेज पार्ट जो है उसको रिपेयर करने के लिए, उसे भी टिक करो। फोर्थ है टू अर्न मनी, मनी कमाने के लिए खाना खाते हैं क्या अपन, नहीं, उसको टिक नहीं करना है। एंड टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी, टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस, है ना, तो डी भी क्या है, ई भी क्या है, करेक्ट है। तो डी छोड़ के आपको सारे ऑप्शंस क्या करने हैं, टिक करने हैं। ठीक है, व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईट फूड, ए बी सी और ई, चार ऑप्शन क्या करने हैं, टिक करने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको जो वर्ड्स दिए हैं वो वर्ड्स यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ऑप्शन देखो क्या है, अदर एनिमल्स एंड प्लांट, प्लांट्स एंड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, ईट एनिमल्स एंड फोर्थ मेक देयर ओन फूड। ओके, एनिमल्स ईट क्या, एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स ईट व्हाट, एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स एंड प्लांट, तो पहले का ऑप्शन आएगा ये,
ठीक है, दिस वन, ये यहाँ पे लिखना है, अदर एनिमल्स एंड प्लांट। एनिमल्स क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स को और प्लांट्स को खाते हैं। ह्यूमन बींग्स हम क्या खाते हैं, हम खाते हैं एनिमल्स एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। हम प्लांट्स खाते हैं और कुछ एनिमल्स के पार्ट्स खाते हैं, ठीक है। और प्लांट्स प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है। ये आंसर क्या करने हैं आपको, जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। लिखो, एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स ईट प्लांट्स एंड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, एंड थर्ड कौन है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है। थर्ड का आंसर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखो क्या है, राइट डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ओरली बता रही हूँ, आपको लिखना है आपके नोटबुक में। ऑटोट्रॉप की डेफिनेशन, राइट डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉप्स लिखो। ऑटोट्रॉप्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम नेचर, ओके। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, फिर से देखो, ऑटोट्रॉप्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द सराउंडिंग, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, ओके। लिखा, उसके बाद में हेटेरोट्रॉप्स की डेफिनेशन देखो। हेटेरोट्रॉप्स लिखो, हेटेरोट्रॉप्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैनॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल एनिमल, ठीक है। लिखा क्वेश्चन 1.4, ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन देखो क्या है, why do we say that humans and animals are directly or indirectly dependent on क्या plants? मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, ओके। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, ऐसे क्यों बोला जाता है, इसका आंसर भी मैं बता रही हूँ आपको, लिखो। विच क्वेश्चन, वाई डू वी से दैट ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, ओके। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ओके। हिंट भी दी है, स्टार्ट यूर आंसर विथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स बिकॉज, पहले ये लाइन लिख लो जो क्वेश्चन में दी है, बाद में उसके आगे का पार्ट करेंगे, ठीक है। लिखो, द ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट बिकॉज ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर आइदर कार्निवोर हर्बीवोर और ओमनीवोर। हर्बीवोर्स डायरेक्टली ईट प्लांट प्रोडक्ट्स, हर्बीवोर्स डायरेक्टली ईट प्लांट प्रोडक्ट्स, कार्निवोर ईट हर्बीवोर एनिमल्स विच अगेन डिपेंड ऑन प्लांट्स, एंड ओमनीवोर ऑल्सो ईट हर्बीवोर एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। देयरफोर At the end, all living organisms
are dependent on plants. Okay. So ये था last question का answer. अगर आपने पूरा नहीं लिखा फिर से इसको पॉज करो, थोड़ा सा पीछे जाओ और फिर से लिख लो. ओके तो ये हमने क्या की प्रैक्टिस क्वेश्चन वन कंप्लीट की. ठीक है, ये आपके नोटबुक में या आपके रीडर में सॉल्व करने के बाद में मुझे इसका फ़ोटो क्लिक करके क्या करना है व्हाट्सएप पे सेंड करना है. ठीक है, अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन टू के ऊपर. सी दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन टू. SB4 में आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन टू मिलेगी. ठीक है, देखो इसमें का पहला क्वेश्चन क्या है. राइट टू रीजंस व्हाई लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट फोटोसिंथेसिस. पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई गिव टू रीजंस व्हाई लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट फोटोसिंथेसिस. अर्थ के ऊपर फोटोसिंथेसिस के बगैर लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है. मैं आंसर बता रही हूँ, आप लोग लिखो, क्वेश्चन लिख लो पहले. तो ये पॉज कर लो वीडियो को और पहले ये क्वेश्चन लिख लो. राइट टू रीजंस व्हाई लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट फोटोसिंथेसिस. नंबर वन, फोटोसिंथेसिस. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रिपेयर फूड फुल स्टॉप. दिस फूड इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. सो फॉर फूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन प्लांट. रीजन नंबर टू लिखो अभी. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रिपेयर फूड एज वेल एज ऑक्सीजन. दिस ऑक्सीजन इज नीडेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. सो फॉर रेस्पिरेशन ऑल्सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन प्लांट्स. इट मीन्स they depend on photosynthesis. Okay, so these are two reasons why life on earth would not be possible without photosynthesis. ठीक है, लिखा है आंसर पूरा. ओके, अगर नहीं लिखा होगा तो थोड़ा सा पीछे जाओ, पॉज करके रिकॉर्ड पीछे और फिर से एक बार सुनो और फिर से लिख लो. ठीक है, चलो अभी हम मुड़ते हैं क्वेश्चन 2.2 पे. फिल इन द ब्लैंक्स, तीनों के तीनों फिल इन द ब्लैंक्स. अगर आपके पास लीड का रीडर नहीं है साइंस का तो क्या करना है आपको, नोटबुक में लिखना है और उसके बाद में हम आंसर डिस्कस करेंगे. वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और ये तीनों फिल इन द ब्लैंक्स लिख लो बुक में. लिखी, चलो देखो अभी पहला क्या है. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर लिव्स थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड व्हाट. आंसर है इसका स्टोमेटा. लिखो वहाँ पे स्टोमेटा, STOMATA, स्टोमेटा. ठीक है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर लिव्स थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. क्वेश्चन नंबर टू, दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय डैश डैश. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस. कौन से पोर्स, जो ऊपर हमने बोले हैं ना स्टोमेटा. दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय व्हाट. आंसर है उसका गार्ड सेल्स, GURD, गार्ड सेल्स. ठीक है, सो ये सेकेंड का आंसर है. दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. ओके, नाउ राइट द आंसर ऑफ थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स. व्हाट इज इट. डैश डैश इज ए ग्रीन पिगमेंट दैट हेल्प्स लिव्स कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. आंसर क्या होगा इसका, ग्रीन कलर का पिगमेंट, उसका नाम क्या है. यस, दैट इज व्हाट, क्लोरोफिल. लिखो सी का आंसर. क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट दैट हेल्प्स लिव्स कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL. ओके ओके, नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. ड्रॉ एंड लेबल द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट है, सेक्शन ऑफ लीफ
शोइंग क्लोरोफिल, स्टोमेटा एंड गार्ड सेल, और दूसरा है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ए प्लांट। ये दोनों डायग्राम्स आपको क्या करनी है, आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिलेंगी पहले चैप्टर में, ठीक है। टेक्स्ट बुक में से ये दोनों, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। हाँ, जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, आपकी जो एग्ज़ाम आएगी, जो असेसमेंट एग्ज़ाम आपकी आने वाली है, उसमें NCERT के क्वेश्चंस के साथ साथ ये लीड के टेक्स्ट बुक के अंदर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ओके। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस टू डायग्राम्स आर इम्पॉर्टेंट। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो यहाँ पे ये डायग्राम्स ड्रॉ की है, वहाँ से ये डायग्राम्स आपको क्या करनी है, नोटबुक के अंदर ड्रॉ करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 भी सॉल्व करो, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 दोनों सॉल्व होने के बाद में उसके फोटोज़ आपको क्या करने हैं, ग्रुप के ऊपर डालने हैं, ठीक है।